ऑडियंस और रीडर तक अप्रोच करते हैं इट इज अ वे अ राइटर राइट्स एंड इज द टेक्निक विच एन इंडिविजुअल ऑथर यूजेज इन हिज राइटिंग ये एक तरह का वे होता है कि राइटर जो है किस तरह से लिखता है उसकी टेक्निक क्या है जिससे वो अपने इंडिविजुअल जो ऑथर होते हैं उनकी अपनी अपनी राइटिंग होती है ठीक है सो इट वरीज फ्रॉम ऑथर टू ऑथर तो देखिए अलग अलग ऑथर की अपनी एक राइटिंग स्टाइल होता है और ये डिपेंड किस पे करता है उनके सेंटेक्स पे वर्ड चॉइस पर और टोन पर कि इन सब में डिफरेंस हो सकता है उनकी राइटिंग में सो इट कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब एज वॉइस दैट रीडर लिसन टू वेन दे रीड द वर्क ऑफ द राइटर तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि जब भी कोई रीडर जो है वो कोई बुक रीड करता है कोई जो भी राइटर ने लिखा है तो वो उस राइटर की आवाज को सुन रहा होता है कि जो राइटर ने लिखा है ठीक है

उस स्टोरी में डालता है और उसको नरेट करता है नोवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज पोएट्री कैन फॉल इन द नरेटिव राइटिंग स्टाइल तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है नेरेटिव स्टाइल के शॉर्ट स्टोरीज पोएट्री ठीक है और नोवेल्स। सो सिंपली नरेटिव स्टाइल इज एन आर्ट टू डिस्क्राइब अ स्टोरी तो नरेटिव स्टाइल क्या होता है बस एक हाँ एक आर्ट है किसी स्टोरी को डिस्क्राइब करने की कि जो भी कहानी है जो भी राइटर बताना चाहता है उस कहानी के बारे में बस एक तरह का स्टाइल होता है जिसमें जो ऑथर होता है वो खुद को वो अपने एज अ कैरेक्टर उसमें इंक्लूड करता है और उसे बताता है द स्टोरी कुड बी फैक्ट और फिक्शन अब जो भी राइटर स्टोरी बता रहे हैं वो कोई फैक्ट भी हो सकता है मतलब कि कोई सच्ची घटना भी हो सकती है और फिक्शन भी जो मन घृत कहानियां होती हैं तो ये सब इसमें इंक्लूड हो सकता है अब इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं नेरेटिव राइटिंग मेन पर्पज इज टू टेल अ स्टोरी अब नेरेटिव राइटिंग का मेन पर्पज़ क्या होता है कि स्टोरी को बताना पूरा जो स्टोरी है उस राइटर की वो स्टोरी बताता है सेकेंड अ पर्सन बींग अरेटिव टेल्स अ स्टोरी और इवेंट जो खुद उसमें शामिल था एज अ करेक्टर वो उस स्टोरी को बताता है उस इवेंट के बारे में बताता है थर्ड इट हैज करेक्टर्स एंड डायलॉग्स इन इट इसमें कुछ करेक्टर्स होते हैं उनके कुछ डायलॉग्स होते हैं फोर्थ इट हैजफिनाइट एंड लॉजिकल बिगनिंग इंटरवल्स एंड एंडिंग्स अब जो भी स्टोरी बता रहा है जो राइटर बता रहे हैं उसकी एक लॉजिकल बिगनिंग होती है शुरुआत होती है फिर उसमें एक बीच में इंटरवल आता है और लास्ट में एक एंडिंग होती है फिफ्थ इट ऑफन हैज अचुएशन लाइक डिस्प्यूट कॉन्फ्लिक्ट एक्शन मोटिवेशनल इवेंट्स प्रॉब्लम्स एंड दे सोल्यूशन अब इसमें देखिए अलग अलग सिचुएशन आ सकती हैं किसी तरह का डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है लड़ाई झगड़े हो सकते हैं किसी तरह का एक्शन हो गया कोई मोटिवेशनल इवेंट हो गया कोई प्रॉब्लम हो गया और उसका सोल्यूशन हो गया अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या है जैसे हमने पहले देखा नॉवल्स शॉर्ट स्टोरीज पोइट्री एनेस्टोर्ट्स ऑरल हिस्ट्रीज एक्सेट्रा सो जिसमें ये फैक्ट्स और आपकी फिक्शन दोनों ही अवेलेबल होते हैं इंक्लूडेड होते हैं सेकेंड हमारी स्टाइल है परसुएसिव स्टाइल ओपिनियन ऑफ द राइटर एंड अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस द रीडर अब देखिए जो राइटर होता है वो अपना ओपिनियन देता है और रीडर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है अपनी तरफ परसुएसिव राइटिंग कंटेंट द ओपिनियन बाइसनेस एंड जस्टिफिकेशन ऑफ द ऑथर अब इसमें राइटर की ओपिनियन भी आ जाता है कि उसका क्या मानना है बाइसनेस भी आ जाती है कभी कभी कि वो किसी एज की एक चीज को लेकर ही फोकस रहता है कि वो चीज उसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करनी ही करनी है दूसरे को उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए जस्टिफिकेशन ऑफ द ऑथर इसमें जो ऑथर होता है वो कुछ जस्टिफाई कर रहा होता है अपनी बात जो है वो दूसरों से मनवा रहा होता है सो इट इज अ टाइप ऑफ राइटिंग विच कंटेन्स जस्टिफिकेशन एंड रीजन वो जो ऑथर होता है उस अपनी बात के लिए जस्टिफाई करता है और उसका कुछ रीजन भी देता है कि जिससे जो रीडर है वो उसके जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है जो बात कर रहा है वो उस पे बिलीव कर ले ठीक है किसी भी पॉइंट पे सो so, इसके की पॉइंट्स क्या-क्या है फर्स्ट है परसुएसिव राइटिंग्स मेन पर्पस इज टू कन्विंस तो इसका मेन पर्पस क्या होता है कि जो रीडर है जो ऑडियंस है उसको कन्विंस करना किसी बात के लिए कि उसको ये बिलीव ही दिलवा देना जो भी ऑथर किसी मेन पॉइंट पर बात कर रहा है वो उसको बिलीव कर ले चाहे वो झूठ हो चाहे वो सच हो चाहे वो उसके फायदे के लिए हो चाहे वो उसके नुकसान के लिए हो सेकेंड इट इज इक्विप्ड विद रीजन आर्ग्यूमेंट्स एंड जस्टिफिकेशन तो जैसा कि हमने देखा इसमें ऑथर रीजन भी देता है अपनी बात पर कि उसका रीजन क्या है आर्ग्यूमेंट भी देता है कुछ बहस भी होती है और जस्टिफाई भी करता है अपनी बात को थर्ड

फिफ्थ इसके एग्जाम्पल क्या कहेंगे लेटर ऑफ कॉम्प्लेन्ट्स किसी हम जैसे आपको कोई कम्प्लेंट की लेटर लिखनी है ठीक है तो इसमें भी आप दूसरे को अपनी बा, बात जस्टिफाई करते हैं है ना सो राइटिंग टेक्स्ट टीवी कमर्शियल जो आपकी एडवर्टाइजिंग आ गई अब उसमें आपको कुछ भी बताया जाता है अब चाहे वो झूठ है चाहे वो सच है तो वो भी एक तरह का परसुएसिव स्टाइल है क्योंकि इसमें जो आ, उसमें जो एम्प्लॉयर है वो काम वो आपको आ, किसी बात पे कन्विंस करना चाहता है कि आप उसकी बात मान ही ले कि ये प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा ही है अफिलियट मार्किंग पिचेस रिव्यूज कवर लेटर्स न्यूज पेपर ओपिनियंस एंड एडिटोरियल पीसेस। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं थर्ड है डिस्क्रिप्टिव स्टाइल सो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्टाइल इज अ इज अ स्टाइल ऑफ राइटिंग विच फोकसेस ऑन डिस्क्राइबिंग कैरेक्टर इवेंट और प्लेस इन ग्रेट डिटेल तो देखिए डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में जो ये एक तरह का स्टाइल है जिसमें हम पूरी चीज को बिल्कुल थॉरली डिटेल में उसको डिस्क्राइब करते हैं मीन्स उसमें छोटी से छोटी चीज की डिटेल देते हैं चाहे वो कोई भी इवेंट हो चाहे वो कोई कैरेक्टर हो प्लेस हो उसकी बिल्कुल बारीकी से डिटेल देते हैं इट समटाइम्स पोइटिक इन नेचर कभी कभी ये पॉइटिक भी हो जाता है जिसमें कि जो ऑथर होता है वो कुछ डिटेल को स्पेसिफाई करता है बिना किसी मतलब की कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंफॉर्मेशन लास्ट में दी जाती है पहले बस कुछ छोटी छोटी डिटेल्स दी जाती हैं जो ज्यादा काम की नहीं होती हैं और जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो कभी कभी लास्ट में दी जाती है तो ये होता है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टाइल अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं जैसे कोई एक ऑथर ने कहा द दायर किल्ड हिज लवर अब ये तो एक इन्फॉर्मेशन हो गई ठीक है लेकिन इसे डिस्क्रिप्टिव स्टाइल में कैसे लिखेंगे द रेड of ब्लडी वेम्पायर सक ended his इन टू So स्किन कितना डिटेल में चले गए पहली स्टेटमेंट में हमने बता दिया कि जो वेम्पायर था उसने अपने लवर को मार दिया लेकिन दूसरे में हमने उस पूरे वेम्पायर की एक अच्छी तरह से बारीकी से डिटेल दे दी तो ये क्या हो गया डिस्क्रिप्टिव स्टाइल अब इसके की पॉइंट क्या क्या है इसका मेन पर्पज होता है चीजों को डिस्क्राइब करना डिटेल्स में ये कभी कभी पॉलिटिक भी होता है नेचर में अब इसमें किसी चीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं प्लेसेस पीपल इवेंट्स सिचुएशन और लोकेशन जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं तो उसकी छोटी से छोटी जब बारीक चीज बताते हैं कि उधर पेड़ ऐसे ऐसे थे उधर के फ्रूट्स ऐसे थे फ्लावर्स थे कौन कौन सी जगह थी तो इसमें आप पूरा डिटेल में बता रहे हैं चीजों को तो ये भी आपका डिस्क्रिप्टिव स्टाइल हो जाता है सो नेक्स्ट द ऑथर विजुलाइजर वट ही सी मतलब उस ऑथर जो है वो विजुलाइज़ करता है उसने क्या देखा क्या सुना क्या टेस्ट किया क्या स्मेल किया और क्या फील किया अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या है पोएट्री जर्नल डायरी राइटिंग नेचर राइटिंग डिस्क्रिप्टिव पैसेज इन फिक्शन नेक्स्ट है आपकी फोर्थ एक्सपोजिटरी स्टाइल तो देखिए अभी तक हमने जितने भी हमने बात की है ना तीनों जो हमने इसके स्टाइल दिखे उसमें हम फैक्ट और फिक्शन दोनों को ही इंक्लूड करते हैं लेकिन जो आपका एक्सपोजिटरी स्टाइल है जो आपका मेन स्टाइल है जो आपको एग्जाम ऑफ ऑफ एग्जाम पॉइंट व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है इसमें आप अपना ओपिनियन नहीं देते हैं इसमें सिर्फ जो फैक्ट है जो रियल ट्रूथ है वो आप इसमें इंक्लूड करते हैं इसका ये मेन डिफरेंस है इसमें आपको अपना ओपिनियन नहीं देना है सो एक्सपोजिटरी राइटिंग एक्सप्लेन्स और इनफॉर्म तो जो एक्सपोजिटरी राइटिंग है वो किसी चीज के बारे में एक्सप्लेन करता है और इन्फॉर्मेशन देता है ये हमें उस सब्जेक्ट के बारे में पूरी तरह से डिटेल में बताता है विदाउट गिविंग ओपिनियंस किसी भी तरह का ओपिनियन नहीं दिया जाता है इट इज ऑल सब्जेक्ट ओरिएंटिंग स्टाइल इन विच द मेन फोकस ऑफ द ऑथर इज टू टेल अबाउट अ गिवन टॉपिक और सब्जेक्ट एंड लीव्स आउट इज पर्सनल ओपिनियन तो इसमें मेन फोकस क्या होता है कि जो ऑथर है वो आपको उस टॉपिक और सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में बताएगा लेकिन अपना ओपिनियन नहीं देगा ही फर्निशिज यू विद रेलिवेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड डज नॉट इंक्लूड हिज ओपिनियन इसमें जो ऑथर है वो फैक्ट और फिगर के बारे में बात करेगा और अपना ओपिनियन इंक्लूड नहीं करेगा सो so इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं तो सबसे पहले तो इसका मेन पर्पस क्या है चीजों को एक्सप्लेन करना इट यूजली एक्सप्लेन समथिंग इन अ प्रोसेस जब कोई चीज प्रोसेस में भी होती है और इसमें हमेशा फैक्ट और फिगर्स होते हैं और जो भी चीज बात बताई जाती है वो लॉजिकल ऑर्डर और सीक्वेंस में होता है अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या कहें टेक्स्ट बुक राइटिंग आर्टिकल्स इन विच ऑथर टेल्स अबाउट अ गिवन सब्जेक्ट एज हाउ टू डू समथिंग रेसिपीज न्यूज स्टोरीज ठीक है इसमें किसी भी तरह का ओपिनियन नहीं होता है सो so ये हमने चार डिफरेंट टाइप ऑफ राइटिंग स्टाइल देखे